हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम कवर अप करने वाले हैं एसे 265, व्हिच इज कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स टू द टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अ लॉट ऑफ एसेज। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने एक ऑडिट की स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आई हैव अपलोडेड ऑल द एसेज टिल डेट वॉट वी हैव कवर्ड, एंड ऑल्सो जो फ्यूचर में भी वीडियोज आने वाली हैं वो सभी आपको उसमें एसेज मिल जाएंगे। ठीक है, सो आप वो सारे एसेज चेक कर सकते हैं। अगर आपने एसे 300 सीरीज अभी तक नहीं देखी है या खुद से भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आई वुड रिकमेंड आप इस वीडियो को मत देखो। पहले आप एसे 300 सीरीज के वीडियोज देख लो, या फिर खुद से पढ़ना चाहते हो तो खुद से पढ़ लो, बिकॉज अदरवाइज आपको ये वाला पूरा एसे समझ नहीं आएगा, बिकॉज इट इज वेरी मच इंटरकनेक्टेड टू एसे 300 सीरीज। ओके, सो विदाउट एनी मोर डिस्कशन लेट्स स्टार्ट विद दिस। इसमें पहले तो हम एसे के नाम से ही काफ़ी चीज़ें समझते हैं कि इस एसे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका नाम है कम्युनिकेटिंग दी डेफिशिएंसीज। मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो कम्युनिकेशन की बात किस चीज़ को कम्युनिकेट करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स में जो डेफिशिएंसीज हैं उनको कम्युनिकेट करने की बात हो रही है टू द TCWG एंड द मैनेजमेंट। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि अगर इंटरनल कंट्रोल्स नहीं होते तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या गड़बड़ हो सकती थी, मतलब किन किन चीज़ों को ठीक करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए मुझे इंटरनल कंट्रोल्स की रिक्वायरमेंट है, वो एरियाज। ठीक है, या फिर अगर इंटरनल कंट्रोल था लेकिन जो उसका काम था दैट इज टू प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट दी मटीरियल मिस स्टेटमेंट, वो उसको नहीं कर पा रहा है तो इंटरनल कंट्रोल मेरा फेल हो गया। इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंट है, या तो इंटरनल कंट्रोल्स की रिक्वायरमेंट थी बट इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है, तब भी हम उसको बोलते हैं कि देर इज अ डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पा रहा जिसके लिए हमने कंट्रोल्स लगाए थे तो दैट इज ऑल्सो नोन एज डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। आई होप द मीनिंग इज क्लियर। ओके, अब बात आएगी कि TCWG कौन होता है। TCWG की फुल फॉर्म होती है दोस चार्ज विद गवर्नेंस। ये सबसे हाईएस्ट लेवल अथॉरिटी होती है अबव द मैनेजमेंट। ठीक है, कई कई केसेस में मैनेजमेंट और TCWG एक ही होते हैं, तो उस केस में आप मान के चलो अगर आपने मैनेजमेंट को बता दिया मतलब TCWG को बता दिया, बट वैसे जहां पर भी देर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन द TCWG एंड द मैनेजमेंट तो हम अलग अलग से बोलते हैं कि सबसे हाईअर लेवल अथॉरिटी इज योर TCWG एंड बिलो दैट इज योर मैनेजमेंट। द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैज़ टू बी डन बाय द मैनेजमेंट। सारे काम मैनेजमेंट करती है। TCWG मैनेजमेंट के काम को सुपरवाइज करता है, उसको डायरेक्शंस देता है। ठीक है यहाँ तक, तो हमें अगर एज एन ऑडिटर कोई डेफिशिएंसीज मिलती हैं इंटरनल कंट्रोल्स में तो हम उन डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं टू द TCWG एंड द मैनेजमेंट। अच्छा, कम्युनिकेट किस तरीके से किया जाएगा? तो कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हमें डेफिशिएंसी मिल रही है वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है या नहीं। अगर डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है तो उस केस में तो हम TCWG को और मैनेजमेंट को दोनों को बताएंगे, लेकिन अगर डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट नहीं है तो जिन्होंने ये कंट्रोल्स लगाए थे मतलब मैनेजमेंट को ही सिर्फ और सिर्फ इस बात की इंटीमेशन दे देंगे कि यहाँ पर आपके डेफिशिएंसीज हैं इन द इंटरनल कंट्रोल्स। बट इट विल डिपेंड कि डेफिशिएंसी कैसी है, अगर सिग्निफिकेंट होगी तो TCWG को बताना भी जरूरी हो जाएगा अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट। अब बात आती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट है या नहीं इसको पता करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, इंटरनल कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स हमने एसे 315 पढ़ते हुए करे थे, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल एनवायरमेंट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। तो अगर आपका कंट्रोल एनवायरमेंट ही इनइफेक्टिव है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपको क्या पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है इंटरनल कंट्रोल्स में।
क्योंकि जिसका कंपोनेंट ही सही से काम नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली बात है देयर इज सम डेफिशिएंसी, या फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस विच वाज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. हमने सारा ऐसे 315 में डिटेल में कवर किया है तो यहाँ पर मैं आपको उसकी मीनिंग एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसीलिए मैंने जस्ट बोला था कि 300 सीरीज पहले करना जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं मीनिंग डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज देखने के लिए मिल सकती है, कहाँ कहाँ आपको लग सकता है कि हाँ ये डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है. ठीक है, तो फर्स्ट वन वॉज द कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो एन कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. फर्स्ट वन वॉज द कंट्रोल एनवायरमेंट, कंट्रोल एनवायरमेंट ही आपका सही से काम नहीं कर रहा है. ठीक है, दूसरा आपका जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है वो है ही नहीं, या है तो बिल्कुल ढंग से काम नहीं कर रहा है, या फिर जो आपने रिस्पॉन्सेस की बात करी थी ऐसे 330 में हम रिस्पॉन्सेस क्रिएट करते थे, वैसे ही एंटिटी को भी मैनेजमेंट को भी जो रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेस क्रिएट करने पड़ते हैं कि सपोज मैं एक काम कर रही हूँ इसमें मेरी कंट्रोल्स इनइफेक्टिव हैं तो मुझे इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा. राइट, तो इस टाइप के जो रिस्पॉन्सेज हैं दैट आर ऑल्सो इनइफेक्टिव. मुझे कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि पिछले साल की जो मिसस्टेटमेंट्स थी ना, फ्रॉड की वजह से या एरर की वजह से जो भी तरीके की मिसस्टेटमेंट थी, कोई भी गलती करी थी आपने, वेदर इट वॉज ड्यू टू फ्रॉड और एरर, आप उसको इस फाइनेंशियल ईयर में करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है. क्यों आपका सिस्टम आपको अलाउ कर रहा है प्रायर पीरियड आइटम्स को करेक्ट करने के लिए? सो देर आर हाई चांसेस कुछ गड़बड़ हो सकती है, इंटरनल कंट्रोल सही से काम नहीं कर रहे हैं. इस चीज़ को मैं कैसे वेरीफाई कर पाऊंगी? मैं देखूंगी कि जो प्रायर पीरियड आइटम को चेंज किया जा रहा है क्या वो किसी की परमिशन ऑथराइजेशन के बाद ही हो रहा है या अपनी मर्जी से बस अपनी गलती छुपाने के लिए किया जा रहा है. सो दिस कैन बी वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी. और भी बहुत सारी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजमेंट उसको अच्छे से कर ही नहीं पा रही है तो डेफिनेटली देर इज अ डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल्स. सिमिलरली और भी मेरे पास पॉइंट्स आएंगे, जस्ट मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ अभी. ठीक है, दूसरा, अब जब मैंने डिसाइड किया कि जो मेरा डेफिशिएंसी है इन द इंटरनल कंट्रोल वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है तो मुझे इसको क्या करना है, इसको कम्युनिकेट करना है टू द TCWG एंड द मैनेजमेंट ऑल्सो. ठीक है, तो अब मैं इसको कम्युनिकेट करूंगी तो मुझे कम्युनिकेट करते हुए क्या क्या बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करते हुए मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये डेफिशिएंसीज हैं जो मुझे देखने के लिए मिली है और इनके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इन पर्टिकुलर डेफिशिएंसीज की वजह से, उसकी मैं पूरी लिस्ट बना के उनको दे दूंगी. साथ ही साथ मैं ये इन्फॉर्मेशन भी दूंगी कि मैं एज एन ऑडिटर इस एंटिटी का ऑडिट करने आई थी और मेरा जो पर्पस था ऑडिट का दैट वाज ओनली टू गिव द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मेरा कोई भी इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्टिंग करने का इरादा नहीं था, ना ही मेरा स्कोप ऑफ वर्क था. मैं और तो सिर्फ यहाँ पर ओपिनियन देने के लिए आई थी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन मैं फिर भी इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करती हूँ तो फॉर द पर्पस ऑफ माय ऑडिट प्रोसीजर्स, कि मुझे क्या क्या अपने ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट रखना है, इसी पर्पस के लिए मैं इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करती हूँ. मेरा कोई पर्पस इंटरनल कंट्रोल्स पर रिपोर्टिंग देने का, ओपिनियन देने का नहीं है. तो इस चीज को आप बिल्कुल क्लियर शब्दों में उनको बता दोगे कि मैं इंटरनल कंट्रोल्स को ऑडिट करने नहीं आई हूँ, मुझे जो ऑडिट करते टाइम डेफिशिएंसीज मिली और मुझे लगा कि ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, आपके आपको बताने की ज़रूरत है, आपके नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दी है. अदरवाइज़ मैंने कोई इंटरनल कंट्रोल्स में डेफिशिएंसीज़ को ढूंढने का काम नहीं किया, मैं तो सिर्फ उतने ही देख रही थी जितना मुझे अपने ओपिनियन अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए चाहिए था, जिससे कि मैं सफिशेंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस भी डिटर्मिन कर पाऊँ और उसके बेसिस पर ओपिनियन दे पाऊँ. दैट्स ऑल, माय पर्पस वाज नॉट टू गिव दी ओपिनियन ऑन दी इंटरनल कंट्रोल्स. ओके, सो ये चीज आप उनको क्लियरली बता दोगे इन योर कम्युनिकेशन लेटर. कम्युनिकेशन लेटर को जनरली हम लेटर ऑफ वीकनेस के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा ऐसे 265 की समरी थी, जिसको सिर्फ और सिर्फ समरी कवर अप करनी है तो वो इसको समझ सकता है. मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, अब हम नोट्स के साथ साथ इसको कवर करेंगे और लास्ट में क्विकली एक बारी सम अप कर देंगे. ठीक है, तो ये ऐसे 3 times रिवाइज हो जाएगा, प्लस एग्जाम के लिए हम बिल्कुल रेडी हो जाएंगे. बस हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करने के बाद एक बार नोट्स को गो थ्रू करना है और फटाफट से जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर एसे से रिलेटेड वो अटेम्प्ट करने हैं, देन वी आर गुड टू गो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एसे, एसे 265 विच इज कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल्स टू TCWG एंड द मैनेजमेंट.
सबसे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल्स? इंटरनल कंट्रोल्स डेफिशिएंट माने जाते हैं अगर इंटरनल कंट्रोल्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट. अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे वो इंटरनल कंट्रोल्स जिनकी रिक्वायरमेंट थी, जिससे कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हो ही ना, अगर हो रहे हैं तो डिटेक्ट हो जाएं, करेक्ट हो जाएं. ये आपको याद आ रहा होगा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना. सो इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी, तो इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्ट नहीं करते तो भी डेफिशिएंट माना जाता है, या फिर इंटरनल कंट्रोल्स थे लेकिन वो फेल हो गए टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ऑन अ टाइमली बेसिस. जब जो काम जब करना चाहिए था अगर तब नहीं किया तो उसके होने ना होने का कोई फायदा नहीं है. सो दैट इज वाई इट शुड बी डन ऑन द टाइमली बेसिस. इफ इट इज नॉट बीइंग करेक्टेड ऑन अ टाइमली बेसिस देन इन दैट केस इंटरनल कंट्रोल्स हैव फेल्ड टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. इस केस में हमारे इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हो गए? इनइफेक्टिव हो गए. इन दोनों ही सिचुएशंस में हम बोलते हैं इनमें से कुछ भी ऐसा हुआ तो इट विल बी कॉल्ड दैट देयर इज डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल्स. ओके, नाउ As an auditor, what is my responsibility with respect to the internal controls? Auditor should determine whether the deficiencies in the internal control exist. सबसे पहले मुझे चेक करना है कि क्या कोई deficiency है. तो इसके लिए आपको कैसे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको पहले तो अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा. SA 300 के अंदर हमने कवर अप करा हुआ है. फिर हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे एज पर SA 315. वील अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल. सो इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल था ना, तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग ले ली. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म कर लिया एज पर SA 330. सो इसीलिए मैंने बोला था 300 सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर कवरिंग दिस SA. सो द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्लान एज पर SA 300, परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एज पर 315 एंड परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एज पर SA 330. नेक्स्ट, इफ डेफिशिएंसी एग्जिस्ट तो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है. सो ऑडिटर नीड्स टू डिटरमिन वेदर द सच डेफिशिएंसीज ईदर इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट विद अदर डेफिशिएंसीज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है या नहीं. फॉर एग्जांपल, अभी इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट का मतलब क्या है तो इसकी बात करते हैं. इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई, आपने काफ़ी सारे अकाउंट बैलेंसेस चेक करे, काफ़ी सारी इंटरनल कंट्रोल्स चेक करे जिसका इफेक्ट्स चेक कर रहे थे आप, तो आपको रियलाइज हुआ कि एक आदमी गलती है और एक आदमी जो गलती है ना वो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है, छोटे छोटे अमाउंट्स की है. लेकिन जब आपने उन सभी का टोटल किया यू रियलाइज दैट द अमाउंट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. तो उस केस में क्या आप उस डेफिशिएंसी को माइनर डेफिशिएंसी बोलोगे या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोलोगे? यू विल कॉल इट एज सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, क्योंकि आपको चेक करना होता है ईच एंड एवरीथिंग इंडिविजुअली एंड इन एग्रीगेट. तो इफ इट एग्रीगेट इट इज सिग्निफिकेंट देन इट मीन्स इट इज सिग्निफिकेंट. So you have to check it individually also and in aggregate as well. ठीक है? So if the significant deficiencies exist, then you have to communicate in writing to the management and the TCWG. But if the significant deficiencies are not so significant, then in that case you just need to communicate in writing to the management. Your communication will be through a formal letter which is known as the letter of weakness. उनको बोल के थोड़ी ना हो जाएगा ओरली कि मुझे ये deficiencies मिली हैं बस. आपके पास ऑडिट एविडेंस किस बात का होगा? ऑडिट एविडेंसेस कैसे होंगे? ऑडिट एविडेंसेस आपके रिलायबल जब होंगे जब आपने उसको रिटर्न फॉर्म में दिया होगा, स्पेसिफिकली इन दिस केस जहां पर बहुत सिग्निफिकेंट है. तो इस केस में आपको क्या देना पड़ेगा? एक लेटर ऑफ वीकनेस देना देखना पड़ेगा. ये आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट भी बन जाएगा. ओके, नाउ व्हाट आर द इंडिकेटर्स? मुझे कैसे पता चलेगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हैं? तो जैसे मैंने डिस्कस किया था, सबसे पहले कि आपकी जो भी कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो ही क्या है, इनइफेक्टिव लग रहा है. देर आर सम एविडेंसेज ऑफ इनइफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट, जैसे कि TCWG का पार्टिसिपेशन, एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चर कैसा है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है पूरी एंटिटी की. सो दीज आर सम ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट एस्पेक्ट्स. नेक्स्ट, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. इफ दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली या फिर है ही नहीं, तो आपका इंटरनल कंट्रोल्स ऑब्वियसली बात नहीं है. नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स वाला केस हो जाएगा. नेक्स्ट, इनइफेक्टिव रिस्पॉन्सेज टू द आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुए लेकिन उनको जिस तरीके से डील करना चाहिए था वो नहीं किया,
उस केस में क्या होगे, आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बिल्कुल इन इफेक्टिव है. नेक्स्ट, करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट अराइजिंग ड्यू टू फ्रॉड और एरर. तो पिछले साल के कुछ मिस स्टेटमेंट्स, चाहे फिर किसी भी रीजन से थे, फ्रॉड की वजह से थे, एरर की वजह से थे, उनको इस साल करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है. ऑब्वियसली देर इज सम डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल्स, कैसे अलाउ किया जा रहा है ऐसी चीज़ों को करने के लिए. नेक्स्ट, मैनेजमेंट्स इनएबिलिटी टू ओवरसी दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन. मैनेजमेंट को खुद को ही नॉलेज नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स के बारे में, कैसे वो चेक करेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन सही से हो रही है नहीं हो रही है. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है, पर मैनेजमेंट अगर ये काम नहीं कर पा रही तो डेफिनेटली इंटरनल कंट्रोल्स बिल्कुल अच्छे नहीं, काम सही से हो नहीं रहा है. नेक्स्ट, मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट. अब यहाँ पर जो थी मैनेजमेंट की इनएबिलिटी थी, तो क्या ये मैनेजमेंट को ही जाके बता दोगे ये सोच के कि ये सिग्निफिकेंट बात नहीं है? नहीं, मैनेजमेंट को उसकी गलती बताओगे तो कभी भी वो या तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, करेगी भी तो उसको ठीक करेगी नहीं करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है. सो दैट इज वाई यू हैव टू कम्युनिकेट दिस मैटर टू द मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द TCWG. यू हैव टू इन्फॉर्म द TCWG अबाउट दिस. ओके, नेक्स्ट, मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड बाई द ऑडिटर्स प्रोसीजर्स वर नॉट प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड और करेक्टेड बाई दी एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल्स. ऑडिटर ने कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करे जिसके बेसिस पर ही वॉज एबल टू डिटेक्ट सम ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स, जो कि ना ही प्रिवेंट हो पाई, डिटेक्ट हो पाई, करेक्ट हो पाई बाई दी एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल. ऑडिटर ने क्या किया, कुछ गलत गलत कुछ भी ऐसी डमी एंट्रीज डाल के चेक किया कि क्या ऐसा करने से इंटरनल कंट्रोल्स जिस लिए बनाए हुए हैं वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं उस काम को जो नहीं होना चाहिए था. अगर एंट्री डाले जाए तो वैसी एंट्री हो पा रही है या नहीं, तो अगर वो ईजिली हो गई इवन आफ्टर हैविंग द इंटरनल कंट्रोल्स, तो क्या फायदा हुआ इंटरनल कंट्रोल्स, क्या सही से काम कर रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं. सो इसीलिए दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है इसमें इंटरनल कंट्रोल्स में. ठीक है, नेक्स्ट, वॉट विल बी द कंटेंट्स ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल्स. क्या क्या कंटेंट्स होंगे? तो कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो कंटेंट्स में सबसे पहले तो आप जो भी डेफिशिएंसीज हैं उसको बताओगे, दूसरा साथ में आप एक्सप्लेनेशन दोगे कि इस पर्टिकुलर डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. तो इसके साथ आप ये भी बताओगे उनको, मैनेजमेंट को भी, TCWG को भी, कि मैं एज एन ऑडिटर यहाँ पर आया था, मेरा पर्पस ऑडिट का यही था कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन देने हैं. मैंने इंटरनल कंट्रोल्स को भी कंसिडर किया ओनली बिकॉज मुझे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करना था. ठीक है, तो इसीलिए मेरा जो ऑडिट का पर्पस था वो नॉट फॉर द, आई डिड नॉट कम फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स. सो आप इस चीज़ को गलत मत समझो कि मैं यहाँ इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने आया था, मैं तो सिर्फ ऑडिट पर ओपिनियन दे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन देने आया था, एंड मैं यहाँ पर आपको सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ, वो रिपोर्ट कर रहा हूँ जो मुझे आइडेंटिफाई हो पाई. हो सकता है और भी डेफिशिएंसीज हो, भाई मैं तो उन्हें चेक करने ही नहीं आया तो मैं क्यों डिटेल में बताऊँ, मुझे तो जो मिली और लगा कि सिग्निफिकेंट है वो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ. अब मैंने इसके लिए कोई एडिशनल प्रोसीजर्स नहीं किए क्योंकि मुझे इस पर ओपिनियन नहीं देना है. सो दिस इज वॉट विल बी योर कॉन्टेक्स्ट कंटेंट्स ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल्स. सो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसीज एंड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर पोटेंशियल इफेक्ट्स विल बी गिवन अलॉन्ग विद द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू इनेबल द TCWG एंड द मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन. ऑडिटर विल एक्सप्लेन दैट द पर्पस ऑफ ऑडिट वॉज फॉर द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Audit included consideration of internal controls only to design the audit procedures appropriate in the circumstances and not for the purpose of giving an opinion on the effectiveness of internal controls. Matters reported are limited to what has been identified during the audit. No additional procedures for others have been performed, and matters which have been reported were only the ones which were identified during the audit and also were found significant or of sufficient importance to the merit of being reported to the TCWG. That is why I, being an auditor, has reported you all these things. Okay, so this will be your content of the written communication, that is your letter of weakness, which you'll give to the management and the TCWG. ओके, सो ये हमारा पूरा एसे 265 था, बहुत छोटा सा एसे था, ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है, बस आपको एसे 300 सीरीज की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज इसमें एज सच कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी. एक क्वेश्चन जो आपको याद करना पड़ेगा वो है इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, बाकी सब तो आप खुद ही से लिख सकते हो, बहुत ही आसान है. सिर्फ इसमें आपको याद करने का मैं तरीका बता देती हूँ. एक तरीका है
कि आप दो तो कंपोनेंट्स याद रखो आपके इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स हैं, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है। तीसरा आप याद रख सकते हो रिस्पॉन्स 330 के एसए के हिसाब से याद करने की कोशिश कर सकते हो कि इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स है कुछ भी आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क के अगेंस्ट। नेक्स्ट आप ऐसे याद रख सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की, बट मैनेजमेंट खुद से ही उसकी प्रिपरेशन को ओवरसी नहीं कर पा रही है, या फिर मैंने एज एन ऑडिटर प्रोसीजर्स लगाए और उसके बेसिस पर चेक करने के लिए कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या मिस स्टेटमेंट्स को होने से रोक पा रहे हैं या रोक पा नहीं रहे, लेकिन चलो डिटेक्टर करेक्ट कर पा रहे हैं, तो इस चीज को चेक करने के लिए ऑडिटर ने कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करे और वो इंटरनल कंट्रोल्स इसको नहीं कर पा रहे ठीक, तो इस केस में देयर इज अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो याद कैसे करें, प्रॉब्लम तो यही है ना तो याद करने का तरीका यही है, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। दो तो आपको कंपोनेंट से याद हो जाएंगे, कंट्रोल एनवायरनमेंट और रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, फिर आपका आ गया रिस्पॉन्स, फिर आपके आ गया करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इनेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, और चौथा आ गया मिस स्टेटमेंट्स व्हिच आर डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर्स प्रोसीजर्स। सो याद करने का तरीका तो इसमें मैंने ना हाईलाइट किए थे कीवर्ड्स, आई डोंट नो स्कैन में ज्यादा क्लियर नहीं आ रहा है, बट मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एक हाईलाइट किया हुआ था एविडेंस और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट। इसमें आप क्या हाईलाइट करो मैं आपको बता देती हूँ, आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट हाईलाइट कर लो, आप इसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हाईलाइट कर दो, इसमें आप रिस्पॉन्सेज टू सिग्निफिकेंट रिस्क हाईलाइट कर लो, फिर इसमें आप हाईलाइट कर लो प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट, नेक्स्ट वाले पॉइंट में आप हाईलाइट कर सकते हो इनएबिलिटी टू ओवरसी द, या आप इसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन को हाईलाइट कर लो, आपको उससे याद आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में आप कर लो ऑडिट प्रोसीजर्स मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्टेड, इसको हाईलाइट कर लो, तो इससे आपको क्विकली याद आ जाएगा। तो एक बार ही फटाफट से इंडिकेटर्स रिवाइज करें, दो तो हमारे पास इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट वन इज योर कंट्रोल एनवायरनमेंट, सेकंड वन इज योर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, थर्ड वन इज योर इनइफेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट द सिग्निफिकेंट रिस्क, और फिर प्रायर पीरियड मिस स्टेटमेंट्स की करेक्शन कर पा रहे हो तो दैट इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। मैनेजमेंट खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन को ओवरसी नहीं कर पा रही है, या फिर मिस स्टेटमेंट्स जो ऑडिटर ने प्रोसीजर्स अप्लाई करके डिटेक्ट करे हैं वो इंटरनल कंट्रोल्स प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो यही था बस इस एसे के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं था। मेरी एज अ ऑडिटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ऐसे 300 के हिसाब से, ऐसे 315, ऐसे 330 के हिसाब से डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना है कि क्या डेफिशिएंसीज हैं या नहीं, अगर डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है तो चेक करना है सिग्निफिकेंट है या नहीं विद द हेल्प ऑफ दीज इंडिकेटर्स। अगर सिग्निफिकेंट लगती है तो मैनेजमेंट प्लस TCWG दोनों को बताऊंगी, अगर सिर्फ नॉन सिग्निफिकेंट है तो उस केस में आई जस्ट कम्युनिकेट इट विद द मैनेजमेंट, एंड दिस विल बी डन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल लेटर विच इज ऑल्सो नोन एज द लेटर ऑफ वीकनेस। अब कंटेंट्स क्या होंगे लेटर ऑफ वीकनेस के, तो उसमें मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी कि क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी कि इनका क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन ऐसी सफिशियंट इन्फॉर्मेशन दूंगी जिससे कि उनको समझ आ जाए कि मैं एज एन ऑडिटर यहाँ पर मेरा पर्पज था कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन देनी है, और इसके लिए मुझे क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं तो उसका एनपीए डिटर्मिन करने के लिए आई जस्ट considered some of the internal controls and जो मुझे appropriate लग रहे थे circumstances में, my purpose was not to give an opinion on the effectiveness of internal controls। मैं जब audit के लिए अपने आपके internal controls को consider कर रही थी तो कुछ matters थे जो मुझे identify हुए, जो मैंने आपको report कर दिए हैं, जो कि मुझे लगा कि आपकी knowledge में होने चाहिए। मैंने कोई additional procedures perform नहीं करे to check the effectiveness and efficiency of the internal controls। Okay, so this is all about this essay. I hope you enjoyed starting this essay with me. If you did, give the like button to the video and share it with your friends. Subscribe to the channel in case you haven't done it yet. And आपके लिए और भी सारे essays आते रहेंगे. मैं ट्राई कर रही हूँ फटाफट जल्दी जल्दी सब कुछ रिकॉर्ड करने का और नोट्स बनाने का. तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड द अपकमिंग वीडियोज एज वेल. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ अंटिल देन, ओके बाय बाय।